बीएससी एजी एग्ज़ाम 2023 यानी बीएससी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम 2023 के लिए आप लोग रेडी हो जाएं। आज की क्लास में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नमस्कार, वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी। स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी में आप सभी का। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर टॉप 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो एंड तक आप लोग बने रहिएगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गेहूं की फसल को कटाई या फिर हार्वेस्टिंग करते समय नमी की मात्रा कितने प्रतिशत होनी चाहिए। गेहूं की फसल को कटाई करते समय नमी की मात्रा कितने प्रतिशत होनी चाहिए, यानी जब भीट है यानी गेहूं की जो क्रॉप है उसकी जब हार्वेस्टिंग की जाती है उस समय जो है गेहूं में जो नमी की मात्रा या फिर मॉइस्चर की मात्रा होनी चाहिए वो कितने परसेंट होनी चाहिए। ऑप्शंस चार हैं, 10 से 12%, 15 से 20%, 20 से 25% या फिर 25 से 30%। तो बात हमसे की गई है क्या कि गेहूं की फसल की कटाई करते समय यानी जब गेहूं की हार्वेस्टिंग यानी कटाई की जाती उस समय दाने में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 25 से 30% होनी चाहिए। अगर बात करें कि भंडारण के समय में जब भंडारण किया जाता उस समय गेहूं में नमी की मात्रा कितने परसेंट होनी चाहिए, तब 10 से 12% होनी चाहिए। भंडारण के समय नमी होनी चाहिए 10 से 12%, और गेहूं की कटाई के समय दाने में नमी की मात्रा होनी चाहिए 25 से 30%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गेहूसा या फिर फ्लरिस माइनर का जो टेस्ट वेट है वो कितना होता है। गेहूं का प्रमुख खरपतवार कौन सा है, फ्लरिस माइनर जिसको बोलते हैं गेहूं का मामा, तो इसका टेस्ट वेट कितना होता है, 2 ग्राम, 3 से 5 ग्राम, 25 ग्राम या 40 ग्राम। देख लीजिएगा, जो धान है धान का 25 ग्राम होता है, गेहूं का होता है 40 ग्राम होता है, 3 से 5 ग्राम किसका होता है, सरसों का, जो सरसों इसका 3 से 5 ग्राम होता है। तो फिर जो गेहूं का मामा है यानी फ्लरिस माइनर है इसका टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है, ठीक है ना। फ्लरिस माइनर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। गेहूं में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए प्रथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस। सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस क्या रखते हैं गेहूं में, 3 मीटर, 5 मीटर, 25 मीटर या फिर 30 यानी 30 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट, 3 मीटर यानी 3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। वीडियो पूरा वॉच करना, एंड तक बने रहना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। गेहूं की बुवाई करते समय बीज को कितनी गहराई पे बोते हैं, यानी जब वेट की सीड की सोइंग की जाती है बीज की बुवाई की जाती है तो सोइंग डेप्थ यानी बीज की गहराई कितनी रखी जाती है, कितनी गहराई पर बीज को बोना चाहिए, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगर आप पछेती गेहूँ की बुवाई कर रहे हैं, लेट से आप गेहूं की बुवाई करना चाहते हैं, तब जो गहराई रखी जाती 3 से 4 सेंटीमीटर, जो लंबी प्रजातियां हैं उनको 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है, और जो बौनी प्रजातियां हैं उनको 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गेहूँ का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, यानी जो व्हीट है
इसका जो इनफ्लोरिसेंस है वो क्या कहलाता है, एयर, स्पाइक, पेनिकल या फिर एरो। तो जो एरो पुष्पक्रम है किसका होता है, गन्ना का, यानी जो शुगर कैन है उसके पुष्पक्रम को बोलते हैं एरो। पेनिकल किसका किसका है, पेनिकल धान का होता है। ईयर बोलते हैं बाजरा, जो बाजरा की बाली है उसको बोलते हैं क्या, ईयर। तो स्पाइक यहाँ पे बच गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी जो गेहूँ का इनफ्लोरिसेंस है उसको स्पाइक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूँ में जर्मिनेशन या फिर अंकुरण के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, गेहूँ के जमाव के समय तापक्रम कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जमाव के समय जो ऑप्टिमम में अच्छा तापक्रम होता है वो 20 से 25 यानी 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बेहतरीन सीरीज है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं में गुणसूत्र संख्या यानी कितनी होती है, क्रोमोजोम्स नंबर बीट में कितने होते हैं, 2n इज इक्वल टू कितना होता है, 24, 14, 20 या फिर 42। सो गाइस, जो हमारा मक्का है, जो मेज़ है, इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 20। जैसे बाजरा हुआ है ना, और जौ हुआ, ज्वार, इनमें 14 होते हैं। धान में कितना होता है, 24 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है, यानी जो वीट है उसमें 42 क्रोमोजोम्स होते हैं। गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, यानी वो कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण वीट की जो वैरायटी होती है वो डवार्फ होती हैं, एल्बुमिन, डीजिबुजीन, नॉरिनटेन, ग्लूटेन। अगर हमसे बात करें कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जो गेहूं में प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, ग्लूटिन बोलते हैं। और जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है डवार्फनेस के लिए वो होता है नॉरिनटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी फ्रेंड क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और मैक्सिमम विद्यार्थी क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से मैक्रोनी या फिर काठिया गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रेटिकम मोनोकोकम, ट्रेटिकम ड्योरम, ट्रेटिकम डाइकोकम, ट्रेटिकम एस्टिबम। तो जो मकरानी गेहूं होता है वो क्या होता है, ट्रेटिकम ड्योरम, और जो ईमर भीट होता है क्या, ईमर गेहूं, जो ईमर गेहूं है उसको बोलते हैं ट्रेटिकम डाइकोकम, और जो खाने वाला गेहूं है ब्रेड भीट होता है उसको बोलते हैं ट्रेटिकम एस्टिबम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मैक्रोनी गेहूं का जो साइंटिफिक नेम है वो ट्रेटिकम ड्योरम होता है। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं में सिंचाई के लिए मुख्य क्रांतिक अवस्था है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है वीट में सिंचाई करने के लिए, CRI स्टेज, टिलरिंग, लेट जॉइंटिंग या फिर फ्लावरिंग एंड बोटिंग स्टेज। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर हमसे बात की गई है गेहूं में सिंचाई के लिए मुख्य क्रांतिक अवस्था, तो जो मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस समय गेहूं में सिंचाई करना, वो अवस्था है CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन, हिंदी में इसी को बोलते हैं क्या, शिखर जड़ बनते समय। और यह अवस्था गेहूं बोने के 20 से 25 दिनों के बाद में आती है। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आता है कि अगर किसान के पास में एक सिंचाई उपलब्ध है तो वो कब करनी चाहिए, उस सिंचाई CRI स्टेज पे करनी चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की अवस्था होती है वो होती है CRI स्टेज। ये अवस्था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इस अवस्था पर गेहूं में सिंचाई करना अति इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं का नकलची या फिर मिमिक्री बीड है, नकलची का मतलब जो बहा आकारकी के आधार पर फसल से मिलता जुलता उसको नकलची या फिर मिमिक्री बीड बोलते हैं, फ्लेरिस माइनर, एबिना फटुआ,
सिनोपोडियम एल्बम एनागेलिस आर्बेंसिस। जो एनागेलिस आर्बेंसिस है ये कृष्ण नील का वैज्ञानिक नाम होता है, कृष्ण नील का। बथुआ को बोलते हैं सिनोपोडियम एल्बम। जो जंगली जई होती है उसको बोलते हैं क्या, अबीना फटुआ। जंगली जई को बोलते हैं अबीना फटुआ। तो फ्लेरिस माइनर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए बिल्कुल सटीक और राइट उत्तर है इस प्रश्न का। जो मिमिक्री यानी जो नकलची खरपतवार है वो फ्लेरिस माइनर है, क्योंकि वो गेहूं से मिलता जुलता है, बाहरी रूप से देखने पर वो गेहूं जैसा दिखाई देता है, इसी कारण उसको नकलची बीट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं में पीली या फिर धारीदार रोली जिसको बोलते हैं क्या, येलो आर स्ट्रिप रस्ट, ये किसके द्वारा होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है। तो येलो जो है ये पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना। जो ब्लैक रस्ट होता है, कौन सा, जो ब्लैक रस्ट है, जो ब्लैक रस्ट है ये इसका जो रोग का कारक होता है वो पक्सिनिया ग्रेमिटेटसाई होता है, और जो ब्राउन रस्ट होता है, जो भूरी गेरुई होता है उसका जो रोग का कारक है वो पक्सिनिया रिकॉन्डिटा होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था क्या, येलो आर स्ट्रिप रस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी विल बी राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूँ का उत्पत्ति स्थल है यानी जो भीट है, जो गेहूँ है इसका उद्भव स्थल कहाँ पे माना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, मैक्सिको, भारत। आंसर विल बी दक्षिण पश्चिम एशिया। गेहूं के साथ में चना का जो ओरिजिन प्लेस है वो भी कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम एशिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं में डिबलिंग द्वारा बिजाई करने पर सीड रेट क्या पड़ती है, यानी जब डिबलर मेथड से सीड की सोइंग की जाती है, जब गेहूं की बुवाई की जाती है उस समय जो है बीज दर क्या पड़ती है, 150 किलोग्राम, 100 to 125 केजी पर हेक्टेयर, 50 to 60 केजी पर हेक्टेयर, 25 to 30 केजी पर हेक्टेयर। आंसर विल बी 25 to 30 केजी पर हेक्टेयर, यानी 25 से 30 किलोग्राम बीज दर राइट होती है। इतनी बीज दर बरसीम की भी हुई होती है, जो वर्सीम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम है उसकी बीज दर 25 से 30 किलोग्राम होती है, और यहाँ पे गेहूँ की अगर डिबलर मेथड से सोइंग करोगे तो बीज दर लगती है 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जब पसेती बुवाई की जाती है, पसेती बुवाई की जाती है गेहूँ की, उसमें सीड रेट लगती है 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। छिटकवा बिस्से यानी ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अगर जब सीड की सोइंग की जाती है उस समय सीड रेट लगती है 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर गेहूं की सामान्य बीज दर आपसे पूछे कि गेहूं की सामान्य बीज दर क्या है, तो वो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। डिबलर मेथड से अगर की जाएगी सीड सोइंग तो 25 से 30 किलोग्राम, गेहूं की सामान्य बीज दर 100 किलोग्राम, पछेती बुवाई करेंगे तो 100 से 125 किलोग्राम, और ब्रॉडकास्टिंग या फिर चटकवा मेथड से सोइंग करेंगे भीट की तो बीज दर लगेगी 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सीड ड्रिल से अगर लगती है, सीड ड्रिल से देख लो, सीड ड्रिल यानी सीड ड्रिल से अगर सोइंग की जाएगी तो 90 किलो के आसपास सीड रेट यहाँ पे लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं क्या, सिमिट। जो सिमिट है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, करनाल, मैक्सिको, हैदराबाद, लीमा या पेरू। ऑप्शन नंबर मैक्सिको यहाँ पे राइट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सिमिट को जो मुख्यालय है वो जो है मैक्सिको में है, और सिमिट मुख्य रूप से जो है गेहूं व मक्का पर शोधकार करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व की मुख्य खाद्यान्न वाली फसल है, यानी वो कौन सी क्रॉप है जो विश्व में मुख्य खाद्य फसल के रूप में जानी जाती है। अगर हमसे बात करें कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, भारत यानी इंडिया की, जो भारत की मुख्य खाद्य फसल वो है क्या, चावल। लेकिन विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है, गेहूं यानी भीट होती है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, यानी बॉटनिकल नेम ऑफ व्हीट इज जियामेज ट्रेटकम एस्टिबम ऑर्डियम बल्गेयर ओराइजा सेटाइबा। ऑर्डियम बल्गेयर किसका है भाई, जौ का होता है। ओराइजा सेटाइबा होता है धान का। जियामेज किसका होता है, मक्का का। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, यानी ट्रेटकम एस्टिबम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं किस कुल का सदस्य है, यानी जो व्हीट है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, पॉयसी फैवेसी मालवेसी या सोलेनेसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पॉयसी यानी ग्रेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉयसी को ही ग्रेमनी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अनाजों का राजा किसे कहते हैं, वो कौन सी क्रॉप है जिसको जो है किंग ऑफ सीरियल या फिर अनाजों का राजा बोला जाता है, मक्का ज्वार गेहूं चना। अब जो विश्व की मुख्य खाद्य फसल वो क्या है, गेहूं। तो गेहूं को ही क्या बोला जाता है, अनाजों का राजा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से खाने वाला गेहूं की प्रजाति है, वो कौन सा भीट है, वो कौन सा गेहूं है जो खाया जाता है। अब जो गेहूं खाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेटकम एस्टिबम। और जो ट्रेटकम एस्टिबम अभी ट्रेटकम एस्टिबम कैसा है, ये हेक्साप्लॉयड होता है। कैसा होता है, इसका जो प्लॉयडी लेबल है वो क्या होता है, हेक्साप्लॉयड, यानी 2n बराबर 6x बराबर किसके 42 के है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7। x की वैल्यू 7 आएगी। तो जो खाने वाला गेहूं टटकम एस्टिबम, ये हेक्साप्लॉयड है, इसलिए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, खटगुड़ित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कैरियोप्सिस प्रकार का फल है। तो जो भी सीरियल्स क्रॉप होती, अनाज वाली फसलें होती, उनका जो फ्रूट टाइप होता है वो कैरियोप्सिस होता है, जैसे गेहूं धान जौ उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से जो जौ है वो किस टाइप का प्लांट है, C2 है, C3 है, C4 है या फिर कैम है। तो जो हमारा बार्ले जो जौ है ये C3 प्लांट होता है। क्या होता है, C3 प्लांट। C3 में और गेहूं आ जाएगा, धान आ जाएगा, है ना, जौ आ जाएगा, आलू आ जाएगा, यानी गेहूं धान जौ आलू, है ना, मूंगफली, ये सारे C3 प्लांट होते हैं। जबकि C4 प्लांट में आ जाएगा मक्का ज्वार बाजरा गन्ना चौलाई, ये सारे C4 प्लांट होते हैं। कैम में आ जाएगा कैक्टस अगेब नागफनी, ये कैम प्लांट के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जौ की मौल्या रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, जो वारले है इसकी वो कौन सी वैरायटी है जिसमें मौल्या डिजीज नहीं लगती है, अर्थात मौल्या रोग के प्रति अवरोधी प्रजाति है, RD2052 BL2 रत्ना BM4। आंसर विल बी RD2052, यानी 2052 RD2052 जो वैरायटी है जौ की उसमें मौल्या डिजीज नहीं लगती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रस्ट प्रतिरोधी किस्म है, यानी जौ की वो कैसी वैरायटी कौन सी है जिसमें रस्ट डिजीज नहीं लगती है, ब्लैक रस्ट है, येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट, 3 प्रकार की रस्ट होती है, बीमारी नहीं लगती है। तो आज़ाद कैलाश डोलमा, इन सभी में बीमारी नहीं लगती, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारी प्रजातियों में जो है बीमारी नहीं लगती, आज़ाद कैलाश डोलमा। जौ में अनावृत कंडुआ जो लूज स्मट डिजीज है वो किसके द्वारा होती है, जो बार्ले है इसमें अगर लूज स्मट बीमारी लगती है वो किसके द्वारा लगती है, तो एस्टिलागोनोडा के द्वारा लगती है, एस्टिलागोनोडा बोर्डाई इसके द्वारा लगती है। जो लूज स्मट बीमारी है बार्ले में वो एस्टिलागोनोडा बोर्डाई के नाम द्वारा लगती है। और यह एक बीमारी कैसी है, ये कैसी, एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है, एक्सटर्नली
एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज होता है, ये याद रखना आपको। खूब प्रश्न आता है कि एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है जो कि वो कौन है, लूज स्मट ऑफ बार्ले, इसका रोग का कारक है एस्टी लागोनुडा होर्डाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आप सभी के लिए गुड न्यूज, बीएससी एजी 246 सेमेस्टर के लिए परिवर्तन बैच में एडमिशन चल रहे हैं। अभी आप इस बैच को जरूर जरूर परचेज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स पीडीएफ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिल रहा है केवल 499 रुपये में। तो कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं 499 रुपये पे करके। पेमेंट करनी है आपको फ़ोनपे गूगल पे के थ्रू, नंबर हमारा 9005520042 पे पेमेंट कर सकते हैं। कोर्स संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो 8115425121 पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप भी लिंक दिया गया है। थैंक यू।